अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? बस सीमा पार सज अपने सैनिक बंधुओं के लिए भोजन सामग्री लेके जा रहा हूँ। तुम्हें चाहिए? लेके जाओ। भगवान, न जाने किसने सम्राट की मूर्ति का शीश चुराया है। उसके किए अपराधों का दंड हमारे संतानों को भुगतना पड़ रहा है। महाराज धनानंद का आदेश है, जब तक वो चोर नहीं पकड़ा जाता तब तक सारे युवकों को बंदी बना लिया जाए। कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, जाने दो। नहीं। महाराज का आदेश मानने से इनकार करता है मूर्ख, छोड़ दो मुझे, जाने दो। तुम इस संदूक को लेकर वन में निर्धारित स्थान पर मिलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ये कौन है तू? मैं वो जो आज तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएगा कि किसी भी निर्दोष और असहाय पर अत्याचार करने का परिणाम क्या होता है। ए, ले चलो इसे भी, दो कोड़े खाएगा स्वयं जीवन का पाठ सीख जाएगा। अच्छा, दो कोड़े? बंदी बना लो इसे, सम्राट के समक्ष इसे जीवित प्रस्तुत करना है। जाओ। कहा था ना, फिर क्यों लौट आया? तुमसे सिखाया, सदा साथ सदा विश्वास।
व्यू बनाओ। असंभव, एक बालक सबसे भारी कैसे हो सकता है? इससे पहले कि और सैनिक यहां पहुंचे, तुम लोग यहां से निकलो और मुझे निर्धारित स्थान पर मिलना। जाओ। हाँ। न जाने क्यों मुझे आभास हो रहा है कि सम्राट के जन्मोत्सव पर उनके प्रतिमा का शीश तुमने चुराया है। विवेक आपका, सत्ता आपकी और सोच भी आपकी। निष्कर्ष निकालना है तो निकालिए। निष्कर्ष निकाल चुका हूं मैं, विकल्प दे रहा हूं तुम्हें। अपने अपराध को स्वीकार लो, अन्यथा मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। आज तक जो किया अपनी इच्छा से किया, तो मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व मैं अपना आचरण क्यों बदल दूं? तो हो जाओ मृत्यु के लिए सज्ज। पीछा करो, ये किसी भी स्थिति में मुझे जीवित चाहिए। जाओ। उत्तम, तुम जो भी हो बड़े उचित समय पर आए हो। हमने इन्हें पकड़ा, अमात्य भाग रहे थे। और कोठरी में डाल दो इन्हें। जाओ। ये कंगन तुम्हारा है ना? ये कहां चला गया? इंद्रजलेख, 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 तूलभद्र, 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 तुम के तू, तुम के तू। संदूक तो अपने निर्धारित स्थान पर है, फिर वो तीनों कहां चले गए? चंद्र, चंद्र, वो नहीं ले गए। इंद्रजलिक, स्थूलभद्र और धूमकेतु तीनों को मगध के अन्य युवकों के साथ बंदी बना लिया गया। सम्राट किसी को नहीं छोड़े, किसी को भी नहीं। बोलो, कौन था वो युवक? मुझे बड़ी भांति ज्ञात है कि सम्राट के प्रतिमा का शीश उसी ने चुराया है। उत्तर दो। मारते मारते थक जाओगे, लेकिन हमारे मुख पर उसका नाम कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा? रुको अमात्य राक्षस। Thank you.
अभिनंदन दैमा। धनानंद मेरा धर्म पुत्र अवश्य है, परंतु उससे बहुत प्यार करती है उसकी ये दाई मां। और ये स्वीकार करती हूं कि सम्राट के वेश में वो एक कसाई है। ऐसे अबोध और निर्दोष बच्चों को कोई ऐसे मारता है क्या? और वो भी यहाँ काल कोठरी में डाल दिया मवेशियों की तरह। परंतु आप ये उचित नहीं कर रही। राक्षस दोषी तुम भी कम नहीं। धनानंद के पागलपन को शांत करने के स्थान पर उसकी हां में हां मिलाकर उसे और उकसाते रहते हो। किंतु अब मैं यहां आ गई और तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। फिर इसकी सूचना मुझे सम्राट को देनी हुई दैमा। राक्षस तुम भी ये जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते। चलो। चलो मेरे साथ, हमारे पास उतना ही समय है जब तक अमात्य राक्षस धनानंद से न मिल ले। चलो चलो चलो। क्या सोच रहे हो चल? यदि मैं लुप्ता की बात मानकर इस शीश को पिघला दूं और धनानंद के विरुद्ध जाऊं तो निश्चित वो मेरे मित्रों समेत सहस्त्रों ने अपराधों का वध करवा देगा। और यदि मैं लुप्ता के विरुद्ध जाकर इस शीश को धनानंद तक पहुंचा दूं तो मुझे मेरी माँ से मिलने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। दिख रहा हो बच्चों, हमारे पास समय बहुत ही सीमित है। आप सम्राट की दाई माँ हैं, तो हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? धनानंद के अस्तित्व में मेरा भी योगदान है। उसके बढ़ते पागलपन को तो नहीं रोक सकती, किंतु उससे होने वाली हानि को रोकने का प्रयास अवश्य कर सकती हूँ, ताकि मेरे मन का बोझ कम हो सके। आओ शीघ्र आओ, जल्दी जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। यश लो और मगध से अत्यंत दूर निकल जाओ। किंतु ये चौथा अश्व किसके लिए? ये अश्व तुम्हारा एक और साथी है ना, ये उसके लिए है। यदि वो यहाँ पाटलिपुत्र में रह गया तो सम्राट आज नहीं तो कल उसे पकड़कर उसकी हत्या कर देंगे। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। बताओ मुझे कहाँ रहता है वो, क्या नाम है उसका? मैं उसे सूचित कर दूंगी ताकि तुम चारों सुरक्षित यहाँ से बहुत दूर निकल जाओ। आती उत्तम, आती उत्तम। पुत्र, उत्तम तो तब होगा जब मैं उसके प्राण बचा पाऊंगी। बताओ मुझे क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है वो, बताओ। उसका उसका नाम मत बताओ इसे अपने मित्र का नाम। सैनिको पकड़ लो इस दुस्साहसी दासी को। देख लिया इसका वास्तविक स्वरूप?
ये सिर्फ सम्राट की दाई माँ नहीं है, सम्राट के दुष्ट कर्मों में बराबर की साझेदार भी है। ये तुम्हें मुक्त करने का सिर्फ नाटक कर रही है ताकि तुम अपने मित्र का नाम बता दो और ये उसे भी तुम्हारे साथ धनानंद के सामने ले जा सके। मत बताओ इसे उसका नाम। बंदी बना लो इन तीनों को और डाल दो उसी कारागार में। नहीं। आज रात का अंधेरा तुम सबके लिए कभी समाप्त नहीं होगा। कल सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ने के साथ ही तुम सबके निष्प्राण धरती पर गिरे मिलेंगे। ये ठीक नहीं किया मोरा तूने। आज तेरे दुस्साहस के पांव अपनी सीमा की लक्ष्मण रेखा लांग गए। इन्हीं पैरों पर चलकर आई है ना तू यहां। चिल्ला और चिल्ला, इस तरह चिल्ला कि तेरी चीख तेरी स्मृति में बस जाए। और हर पल तुझे इस पल का स्मरण करवाए जब तूने धनानंद की दाई माँ के विरुद्ध खड़े होने का दुस्साहस किया था। सावधान, मगधपति सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। कोई भयभीत होकर मुझे प्राणों की भीख मांगता है तो मुझे अत्यंत आनंद आता है और यह आनंद कई गुना बढ़ जाएगा जब वो गर्विष्ठ शत्राणी यहां आएगी। कहा है मूरा? अब परिवेश में थोड़ी रौनक आई। क्षमा मगधवासियों, क्षमा। कितनी भोर आप सभी को यहां पर उपस्थित होने का कष्ट उठाना पड़ा, पर मैं क्या करूं? मगध को एक साथ संदेश जो देना था और वो संदेश ये है, मैं मगध का सूर्य नापित नंद सूर्य को ही साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरी प्रतिमा के स्वर्ण शीश को चुराने वाले ने यदि अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो यहां उपस्थित सभी युवकों के जीवन को मैं अंधकार से भर दूंगा। सूर्यास्त नहीं देख पाएंगे ये। कल मेरी प्रतिभा को देख के बहुत अठास लगाया था ना तुमने, अब देखना मगध की ये सभा कैसे युवकों के शीश से सज होगी। दुर्योधन की प्रतीक्षा करो। प्रारंभ करते हैं उनसे जो जानते हैं कि लुटेरा कौन था। दुर्योधन,
हे ईश्वर, कब पूरी होगी मगध के सताए दुखियों की प्रतीक्षा? कब आएगा वो जो धनानंद के विरुद्ध बनेगा अस्त्र? शीशों के कटने से अधिक आनंद इस शीश को देखने में आएगा। कौन हो तुम? ये वही है महामहिम जिसने आपकी प्रतिमा का शीश चुराया। चोर है ये।